हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा बराबर ये, तो हमें कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। तो देखो, साइन थीटा दिया है, अब साइन किसके बराबर होता था बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं फटाक से। अब परपेंडिकुलर कितना दिया है? तीन। हाइपोटेनियस कितना दिया है? चार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? बेस निकाल लेते हैं। पाइथागोरस लगाते हैं पहले हम लोग। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? बी सी स्क्वायर। अब देखो, ए बी की वैल्यू तो नहीं पता है हमको, तो ए बी ऐसे ही रहेगा। ए सी कितना है अपने सामने? तीन। तो तीन का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? चार का स्क्वायर। नौ और ये कितना हो जाएगा? सोलह। तो देखो, ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? सात। यानी ए बी का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? रूट सेवन। ओके, अब पूछा क्या गया है? कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया? ए बी। हाइपोटेनियस कितना है अपने पास? बी सी। ए बी कितना निकालना है? रूट सेवन और ये कितना हो जाएगा अपने पास? फोर। फिर क्या पूछा गया? टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा है ना, तो थीटा लिख लेते हैं। देखो, टेन थीटा किसके बराबर होगा? ए सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए सी अपॉन में ए बी। अब ए सी का आंसर कितना निकाला है हम लोगों ने? थ्री। ए बी हम लोगों ने निकाल लिया है रूट सेवन, तो दोनों के आंसर आ गए।